जी हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारा सारा का सारा स्टाफ ही ऐसा है। थैंक यू वेरी मच सर। कहाँ गया राजू राजाराम? कहाँ गया राजू राजाराम? पर क्या मिस्टर राजू राजाराम कहाँ है राजू राजाराम? सर आपके डर से कहीं छुप गया होगा। लेकिन मैं आज उसके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, मैं आज उसके ऊपर खुश हूँ। अखबार के दफ्तर से फोन आया था, वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे, मैं भी तो उसी की तारीफ कर रहा हूँ ना। कहाँ है राजू राजाराम? मैं यहाँ हूँ सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? राजू मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, शाबाश। कहाँ थे तुम? सर मैं आपके केबिन में था सर, काम कर रहा था। मेरी केबिन में जी। काम कर रहे थे? तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या हुआ सर, खुजली हो रही है? नहीं, अरे मैं तुम्हें इनाम ही देना भूल गया। तुम्हारा तो इंक्रीमेंट होना चाहिए ना। आप मुझे क्या इंक्रीमेंट देंगे सर? 100 रुपए बस। तो तुम्हें ज्यादा चाहिए? हाँ सर। चाहिए सर तो मैं तुम्हें 1 रुपया और बढ़ा के देता हूँ, पूरे 101 रुपए। चलो सबको पार्टी दे दो। ऋषभ तुम जरा सिंसियरली काम किया करो। शाबाश राजू, पार्टी। राजू कांग्रेचुलेशंस राजू। थैंक यू निशा, चलो कॉफी पीते हैं। आज मैं राजू के साथ कॉफी पीने जाऊंगी, नहीं चलोगे? ऑफ कोर्स निशा। बाय ऋषभ। I'll see you later. उधर चले। अरे प्रभाकर, तुम यहाँ? 7 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, कुछ खास काम होगा? कहाँ थे? ऑफिस में भी नहीं थे? बाहर गया हुआ था। अच्छा अच्छा, लो बोलो प्रभाकर, कैसे आना हुआ? बड़ी मुश्किल में हो दोस्त, मुझे घर के लिए 7 लाख रुपए भरने हैं, वरना हम सब रास्ते पर आ जाएंगे। पैसे की जरूरत तुम्हें प्रभाकर? हाँ दोस्त, सब लूट गया, बर्बाद हो गया, सब सिर्फ सर पर छप्पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो प्रभाकर, मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से, मुझसे जो हो सकता है मैं करूँगा। थैंक्स यार, चलता हूँ मैं। अरे नाश्ता तो करके जा। नहीं, फिर किसी दिन आ जाऊँगा। अच्छा बाय राजू। बाय। देख राजू, पैसों के झमेले में मत पड़ना, पछताओगे। मिसेस मिरांडा, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे से जो कुछ हो सकता है मैं करूँगा। सोच लो, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। कितना? 7 लाख। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, आप मुझसे 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझसे 7, 70, 700 ठीक है, 7,000 भी समझ में आते हैं, लेकिन 7 लाख मुझसे, और इसके आगे की गिनती तो मुझे आती नहीं। और आप? पर कहीं ना कहीं से तो मिलना चाहिए ना। कौन देगा, क्यों देगा, भूल जाओ। स्टूपिड। दोस्ती में हर चीज में डीलिंग होनी चाहिए, है ना? पैसे को छोड़ के बाकी किसी भी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो, आई एम एवर रेडी, बट दीज मनी मैटर्स, ओ माय गॉड, आई कांट हैंडल इट, यू नो, आई एम सॉरी। मोहन, काश मेरे पास 7 लाख रुपए होते, क्योंकि मुझे मालूम है तुम जरूर किसी की मदद करना चाहते हो, है ना? चलो मिस्टर 7 लाख बॉस ने बुलाया, चल दो। राजू तुम केली सर से क्यों नहीं पूछते? आपने मुझे बुलाया सर? ये लो राजू राजाराम, ये 10 लाख रुपए है, बाहर किसी से कई ना नहीं। सर आप महान है सर, सर आप ग्रेट है सर, आप तो भगवान है सर। थैंक यू राजू राजाराम, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू,
आपको कैसे मालूम कि मुझको 7 लाख रुपए की जरूरत थी सर? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये इसे बैंक में जमा कर दो, ये मैंने मार्केट से उठाए है, नॉनसेंस। वैसे सर मुझको भी 7 लाख रुपए की जरूरत थी। बकवास बंद करो राजू राजाराम, इन्हें बैंक में जमा कर दो वरना तुम्हारी इनकम टैक्स कैंसिल कर दूंगा, नॉनसेंस, जल्दी जाओ। यस सर। क्या क्या ये बैग में क्या है? 10 लाख रुपए कैश। मतलब बॉस ने तुम्हें पैसे दे दिए? हाँ, बैंक में भरने के लिए। ओह अच्छा, सुनो सुनो सुनो, लेकिन तुम्हें भी पैसों की जरूरत थी ना, तो तुम ये पैसे क्यों नहीं रखते हो? काश ये सच होता, 7 लाख रुपए मैं अपने दोस्त को देता और 3 लाख रुपए मैं अपने पास रख लेता। लेकिन अभी तुम बैंक जा रहे हो ना पैसे जमा करने के लिए? तो जाओ ना बेबी। जा। साहब, राजू साहब का कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्यों राजू साहब, तकिया और गद्दी लाकर दूं क्या? क्यों? अब सोने के लिए? लगता है रात भर आप पैसों की टेंशन में सोए नहीं। बिल्कुल सही कहा, रात भर नहीं सोया, पैसे का इंतजाम करना था ना, लेकिन वो हो गया। सुनो, एक काम करो, 2 कप चाय ले आओ, एक तुम पीना, एक मैं पीऊंगा। अभी लाता हूँ। गुड मॉर्निंग राजू। मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत फ्रेश लग रहे हो। कमाल है, मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ी है क्या? क्यों? मतलब मोहन कह रहा था कि मैं बहुत थका हुआ लग रहा हूँ, तुम कहती हो कि मैं फ्रेश लग रहा हूँ। अपना अपना नजरिया है। एनीवे, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तो कल मैं। उसका इंतजाम हो गया। मैंने अपने दोस्त को पैसे दे भी दिए, वो गांव चला गया, 2-4 दिन में आ रहा है। चलो अच्छा हुआ, अब मैं चलती हूँ राजू। हाँ, तुमसे कल मिलूंगी, आज पूरा आउटडोर काम है ना। राजू साहब, केली साहब ने बुलाया है। ओ हाय राजेश्वरी। बाय बाय। मोहन, मैं केली साहब से मिलके चाय पीने आ रहा हूँ। क्या तुमने उसे जेल में डाला? वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे लोग न्याय थी, गधे बेवकूफ छोटे छोटे मन के होते हैं, ऐसे लोगों को तो लात मार के निकालना चाहिए। गुड गुड वेरी गुड, गुड डे। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात बोला करो राजू राजाराम, सुप्रभात बोला करो, अच्छा लगता है। सुप्रभात सर। सुप्रभात। ये क्या है, ये क्या टाइम पास कर रहे, कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे सर, आपने तो मुझको बुलाया था सर। ओ, ओ, कल वाले पैसे बैंक में जमा कर दिए? 10 लाख रुपए। ये बातें जोर से नहीं बोला करते राजू, आहिस्ता धीरे बोला करते। रिसीट, रिसीट कहाँ है? रिसीट मेरे बैग, याद नहीं आ रहा सर। ये क्या बोल रहे हो, जाओ ढूंढो, मुझे वो रिसीट चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, गेट आउट। अपना बैंक? देखिए मैं केली बोल रहा हूं, मुझे बैंक मैनेजर विश्वास से बात करनी है। वो स्लीप मिल नहीं रही होगी ना? नहीं है सर, मैंने मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है सर, मैं ढूंढ रहा हूं सर, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या हुआ, तुम्हें स्लीप नहीं मिल रही है और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है? What? पैसे तो मैंने अपने हाथों से जमा किए थे सर। जमा कर दिया था ना, उसके तुरंत 10 मिनट बाद किसी ने पैसे निकाल लिए मेरे अकाउंट में से, मेरी नकली सिग्नेचर मारकर। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है रे। सर, राजू को पैसों की जरूरत थी। राजू, अरे कल मैंने तो मजाक में कह दिया कि तुम पैसे रख लो, और इसने वही कर दिया सर। तभी मैं ये सोच रहा था कि एक रात में इसने 7 लाख रुपए कैसे जमा कर दिया, बहुत ही पहुंचा हुआ निकला ये। राजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम सबका कहना है कि मैं चोर हूँ? तुम ही तो, तुम ही तो, तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर।
ये नाटक वाटक बंद करो और सीधी तरह सर के पैसे वापस कर दो, नहीं तो सर पुलिस के हवाले कर देंगे। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं यहाँ से सीधा बैंक गया, वहाँ बहुत भीड़ थी, पर लाइन में खड़े होकर मैंने अपने हाथों से पैसे जमा किए, लेकिन स्लिप लिया या नहीं ये मुझे याद नहीं है सर। अच्छा चलो मान लिया कि ये बैंक गया, इसने वहाँ पैसे जमा किए, तो वहाँ से पैसे क्या फिर मैंने निकाला? हाँ जवाब दो। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज सर। ठीक है राजू राजाराम, तुम्हारी इतनी सालों की वफादारी पर मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देता हूँ। तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा और उसके साथ साथ पैसे भी ढूंढ निकालने होंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकोगे तो मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। अब तुम जा सकते हो राजू, जाओ राजाराम। ये कैसे हो सकता है सर? एक पल के लिए सोच कर देखिए, जो आदमी किसी का बुरा नहीं सोचता, जो दुश्मन को भी माफ करता है, जो आपकी हर डांट हंसी में लेता है सर, जो दफ्तर के सारे लोगों का मजाक हंसकर सहता है सर, जिसने अपने लिए आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, वो आपके 10 लाख रुपए चुराएगा सर, वो भी किसी और की मदद के लिए? क्या उसे देखकर लगता है सर कि वो चोर है? राजेश्वरी सर कुछ बोलिए सर। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल कहता है वो चोर नहीं है, लेकिन सारे सबूत सारे गवाह। डिस्टर्बिंग सर। कौन है? ये है मेरा रेजिग्नेशन। क्या क्या है कि एक महीने बाद मैं नौकरी ये दफ्तर सब छोड़ के हाईवे पे एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा हूँ, उसका एक महीने का नोटिस। क्यों क्यों क्यों? तरक्की सर, मैं जिंदगी में तरक्की चाहता हूँ। गुड डे। सेम टू यू सर। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ ये काम किसका है। अगर ये बात है राजेश्वरी तो कुछ ना कुछ चक्कर चलाना ही पड़ेगा। नॉनसेंस। अब अगर तू अगर बजेगा ना तो मैं तो हेलो, हाँ मैं केली बोल रहा हूँ। सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारे 10 लाख रुपए कहाँ हैं। पर तुम बिना किसी को फोन किए अकेले पहुँचो तो मैं तुमको बताऊँगा। मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं अकेला ही आऊंगा वहां पर, मैं अपने साये को भी अपने घर में छोड़ के आऊंगा। हाँ। तो चुपचाप मेरी बात सुनो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ भूल जाओ, सारे पैसे उसके पास है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ वरना सारे सबूत खो जाएंगे। ना कोई गवाह ना कोई सबूत, कुछ नहीं। नींद की गोलियां दिखने में छोटी लेकिन बड़ा असरदार। जब तक केली और राजू जैसे बेवकूफ लोग यहाँ पर रहेंगे, मुझ जैसे लोग और अमीर बनते रहेंगे। थैंक यू राजू, थैंक यू। ऋषभ का बच्चा ये रहता है, इसकी बेल कहाँ है? कौन है? कोई तो नहीं है? पता नहीं इस वक्त कौन कर रहा है। मैं हूँ सर। कौन? राजू।
राजू राजा राम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरे पास एक फोन आया था सर। सर मेरे पास भी आया था। यही ना कि चोर और पैसे दोनों यही मिलेंगे। राइट सर। आप मेरे पीछे पीछे आइए सर, बेडरूम में चलते जब तक केली और राजू जैसे बेवकूफ लोग यहाँ पर रहेंगे। सर सुना सर, अभी आप चलिए सर, चलिए अब आइए आइए सर, आती क्या लोनावला? ऋषभ सर, मुझे खन्ना पेपर प्रोडक्ट की फाइल चाहिए अभी। मुझे किसी ने धक्का दे दिया सर। सर आपका मुंह तो काला हो गया। शट अप, गेट अप। क्या मतलब है तुम्हारा? वेरी सिंपल, काले मुंह वाला बंदर। शट अप। ये कौन है? ऋषभ कहाँ गया? यही ऋषभ है, सिर्फ मुंह काला है। बुरी नजर वाला है या फैशन है? करतूत होगी सर। ऋषभ ऋषभ, इस पैड पर किसी ने मेरे सिग्नेचर की प्रैक्टिस की है? बोलो किसने की है? सर मुझे नहीं मालूम। तुमने मुझे मारा? नहीं सर मैंने नहीं। बिहेव योरसेल्फ ऋषभ। ये बैग किसका है? ये बैग मालूम नहीं। सर सर सर, ये लीजिए आपके पैसे। ये राजू राजा ना मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसने तुम्हें नहीं फंसाया, तुमने इसे फंसाया है। हाँ सर, आपके पास क्या सबूत है? बहुत सारे सबूत है ऋषभ। जब तक केली और राजू जैसे बेवकूफ लोग यहाँ पर रहेंगे, मुझ जैसे लोग और। अब ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस बैग में पैसे हैं? पैसे तो बैग में जमा कर दिए गए हैं, है ना? और ये रहा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का रिपोर्ट, जिसके मुताबिक चेकबुक पर किए गए सिग्नेचर और वो हैंडराइटिंग बिल्कुल एक सी है, तुम्हारी हैंडराइटिंग। हाँ, उस स्लिप में जरूर भूल गया था, सो कैशियर ने अपने ड्रॉयर में रख दिया था। ये रहा वो स्लिप। और ये रहा मेरा दोस्त प्रभाकर। हाय, पैसों की जरूरत तो मुझे थी, लेकिन वो पैसे मुझे राजू ने नहीं बल्कि इसकी मदद से किसी और ने दिए। ये रहे उसके कागजात। बैग छोड़, वरना गोली मारूंगा भेजे में। राजू राजा राम, बोल इसके साथ क्या सलूक किया जाए। जाने दीजिए सर, ये कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। देखी देखी इसकी अच्छाई। हाँ ऋषभ, यू गेट आउट, गेट आउट। राजू राजू, आई एम सॉरी, जेन्युइनली सॉरी। राजू राजा राव, आई एम आल्सो सॉरी। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बेटे बोलो, कैसे हो तुम? कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके डियर, बाय। कितनी खुशी की बात है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस दफ्तर का काम संभालने वाला मेरा भांजा अमेरिका से आ रहा है, डीसी फ्रॉम एन वाई। डीसी फ्रॉम एन वाई? हाँ, दुर्योधन चंद्र चट्टोपाध्याय फ्रॉम न्यूयॉर्क। हमारे दफ्तर में कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो क्यों ना जरूर ये मुझसे पार्टी मांगेगी। क्यों ना आप हमें लंच की ट्रीट कराएं सर? आपका भांजा डीसी जो आ रहा है। ओ यस, चलो अभी करते हैं, अभी करते हैं सब में। तुम भी चलो। चलिए। देखा, गलत जगह पर,
गलत इस्तेमाल का गलत अंजाम, अब तो मुझको भूखा ही रहना पड़ेगा ना। अरे क्यों ना मैं गायब होकर इन लोगों के साथ लंच करूं, है?